अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद दानिश अफदर, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज मणिभाउद्दीन कैंपस की तरफ से मैं आप लोगों के लिए लाया हूं मैथमेटिक्स ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़। जी हां, हम यहां पे ऑनलाइन लेक्चर्स मैथमेटिक्स रिलेटेड लेंगे। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि हम लोग चैप्टर नंबर 9 को क्यों स्टार्ट करेंगे, उसके पीछे क्या रीज़न है। जी हाँ स्टूडेंट्स, उसके पीछे रीज़न ये है कि हमें सबसे पहले अपनी बुक के पोर्शंस को देखना पड़ेगा कि हमारी बुक को कितने पोर्शंस में डिवाइड किया गया। चलें वो देखते हैं। हमारी बुक को मेजरली दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? अलजब्रा और दूसरा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। जी, अलजब्रा जो है वो पहले 8 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो अगले 6 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है, यानी कि चैप्टर नंबर 9 से लेके 14 तक। अब हम चैप्टर नंबर 9 क्यों स्टार्ट करेंगे, इसके पीछे क्या रीज़न है। चलें हम मैट्रिक के साथ अपनी बुक का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। जो है मैट्रिक में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ा था, वो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जो कि अलजब्रे का है। जो हमने मैट्रिक में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, वो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। जी हाँ, पार्शियल फ्रैक्शंस। जो हमने मैट्रिक में यानी कि 9th क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, वहाँ पे हमने बड़ा माइनर लेवल पे पढ़ा था। अब यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 3 में उसकी थोड़ी सी एडवांसमेंट पढ़ेंगे। जो हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। जो हमने 9th क्लास में टेंथ क्लास में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, सेट से रिलेटेड, आपको शायद याद होगा, वो यहाँ पे हम सेकेंड चैप्टर में उसका कुछ पोर्शन पढ़ेंगे जो कि 2.6 एक्सरसाइज में आएगा। अब अगर देखा जाए तो अलजब्रा हम मैट्रिक में काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हमें काफ़ी अंदाज़ा है, लेकिन चैप्टर नंबर 7 आपको याद होगा 10th क्लास का। जी हाँ, वो था ट्रिग्नोमेट्रिक। वहाँ पे हमने उसकी बड़ी बेसिक से कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस लफ्ज़ पे गौर करें, फंडामेंटल्स, फंडामेंटल क्या होता है? किसी भी चीज़ की बुनियाद। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक बिल्डिंग अगर हमने बनानी हो, उस बिल्डिंग की बुनियाद, अगर उसकी बुनियाद मजबूत होगी तो वो बिल्डिंग जो है बहुत ऊंची जा सकती है। इसी तरह से जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री की हमें बुनियाद फ्राहम करता है, जिसके मुताबिक हमारे अगले 6 चैप्टर्स काफ़ी इजी लगेंगे हमें। चलें अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या चीज़। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक लेटर्स या ग्रीक वर्ड्स। ट्राई क्या है? 3। गोनी क्या है? इसको गोनो भी कह सकते हैं, गोनी भी कह सकते हैं। गोनी क्या है? एंगल्स। मेट्रन क्या है? मेजरमेंट। तो इस सारे को ज़रा हम इकट्ठा करके बोलें तो हम क्या बोलेंगे? जी हाँ, इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। 3 एंगल्स किस में होते हैं स्टूडेंट्स? ट्राइंगल में। इसका मतलब हम स्टडी किसको कर रहे हैं? ट्राइंगल को। अच्छा, इसको अगर हम लोग अपनी वर्डिंग में बयान करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे? The branch of mathematics in which we studies the relationship between sides, sides से मुराद यहाँ पे क्या है? Length and the angles of triangle। यानी कि हम एक ऐसा relationship पढ़ते हैं जो कि sides, length और angles के साथ बना हुआ होता है। किस में? Triangle में। Triangle में क्यों? क्योंकि triangle को ही study करेंगे हम trigonometry में। जी हाँ students, अब आपके mind में आ रहा होगा कि हम ये कौन सी टाइप को, किस कैटेगरी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखें ज़रा, टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होती हैं स्टूडेंट्स? 4। कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी होती हैं? कोट ट्रिग्नोमेट्री। कोट ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ये ट्रिग्नोमेट्री की एक ऐसी आगे सब ब्रांच है जो कि डील करती है रेशो को, किसके साथ? साइड्स और एंगल। किसकी रेशोस को और किसके साथ हम लोग इसकी रिलेशनशिप बना रहे होते हैं, किसके साथ ये डील कर रहे होते हैं? जी हाँ, राइट ट्रायंगल के साथ। अब राइट ट्रायंगल के बारे में आपको पता होगा, चलें इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इंशाल्लाह 9.2 एक्सरसाइज में। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, जी सेकेंड कैटेगरी क्या बन गई? प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इसमें हम कैलकुलेट करते हैं एंगल्स को, किसके लिए? प्लेन के लिए।
जी हाँ, इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में। एनालिटिकल ट्रिग्नोमेट्री। एनालिटिकल ट्रिग्नोमेट्री को क्यों यूज़ किया जाता है? ये हमें प्रोवाइड करती है फॉर्मूलेशन जो कि रिलेशनशिप बनाती है हाफ एंगल की डबल के साथ। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये हाफ की डबल के साथ बनाए, ये किसी भी एक की दूसरे के अंदर कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 की 10.3 एक्सरसाइज में। आखिरी टाइप हमारे पास है स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, इसका हमारी पूरी बुक में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसको हम यूज़ करते हैं एंगल्स को कैलकुलेट करने के लिए जो कि हम स्फेयर के अंदर बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि एंगल क्या होता है। हाँ जी, टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। वन ऑफ द रे ऑफ द एंगल इज कॉल्ड इनिशियल रे, इसको इनिशियल साइड भी कह सकते हैं, एंड द अदर एज टर्मिनल रे, इसको टर्मिनल साइड भी कह सकते हैं। एंगल्स आर यूजली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स। अब चूंकि हम ट्राइंगल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ तीन एंगल लिख दिए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप ये तीन ही लें, इसके अलावा आप कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट थीटा, फाई, साई एक्सेट्रा। तो हम क्या लेते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। अब यहाँ एक क्वेश्चन माइंड में आता है, मैंने सबसे पहले लिखा टू रेज, अब ये रे क्या चीज़ है? जी हाँ, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम प्लेन पे, प्लेन क्या चीज़ होती है, टू डायमेंशनल फिगर। हम प्लेन पे एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, अब इस पॉइंट को मैं इन्फिनिटी तक ले जाता हूँ, ठीक है, ये एक रे बन गई। अब दूसरी जगह पे मैं एक और पॉइंट ड्रॉ, उसी पॉइंट को मैं दूसरी रे के लिए लेके जाता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ये बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनिशियल रे और इसको बोलेंगे टर्मिनल रे। कब बोलेंगे इनिशियल और टर्मिनल? जब हम एंगल को स्टार्ट करें यहाँ से, जहाँ से एंगल स्टार्ट होगा उसको इनिशियल रे बोलेंगे, जहाँ पे एंगल ख़त्म कर देंगे हम लोग, जहाँ तक एंगल को ले कर जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल रे। अब इन दोनों का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ये बन गया, तो इट मींस के इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, इसको ओरिजिन भी कह सकते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एंगल, तो हमें पता होना चाहिए कि एंगल की कितनी कैटेगरीज हैं, चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम लोग ले लेते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसके अंदर हमारे पास एंगल 0 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। अब मैंने एक लफ्ज़ बोला डिग्री, हमें पता होना चाहिए डिग्री क्या होता है, इसको हम थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं कि डिग्री क्या चीज़ होती है। अभी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्यूट एंगल के बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ये कौन सा एंगल होता है? एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। उसके बाद आता है फ्लैट एंगल, इसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। जी, ये स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव एंगल। ये कौन सा एंगल होता है? एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। इसके बाद आता है राउंड एंगल। राउंड एंगल कौन सा होता है? एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 360 डिग्री का होता है, क्योंकि ये जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे ये आके खत्म हो जाता है। अब 360 डिग्री के आगे
एंगल्स को हम क्यों नहीं लेके चलते, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि सर्कल में हम लेते ही सिर्फ 360 डिग्री तक हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कुछ क्वांटिटीज़ पॉजिटिव होती हैं, उसी तरह से कुछ क्वांटिटीज़ नेगेटिव भी होती हैं। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे, अगर कुछ एंगल्स को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो जाहिर बात है कुछ एंगल नेगेटिव भी होंगे। अगर कुछ एंगल नेगेटिव होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अगर कुछ एंगल पॉजिटिव होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? हमें पता कैसे चलेगा कि हम कब पॉजिटिव एंगल ले रहे हैं, कब हम नेगेटिव एंगल ले रहे हैं? चलें इसको देखते हैं। मैं एक क्वाड्रेंट बनाता हूँ, ये देखें, एक प्लेन पे मैंने दो लाइंस को ड्रा किया जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कितने क्वाड्रेंट बन गए? चार। इसको आपने 10th class chapter number 7 में स्टडी किया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हर क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे कितने हो गए? 90, 90, 180, 90, 270, 90, 360। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे देखें ज़रा, एक मेरे पास एंगल बन रहा है, कुछ भी एंगल हो सकता है। अब इसको समझने के लिए आप सबसे पहले अपने घर की वॉच को देखें। जो आपके घर की वॉच है या आपके हाथ में जो रिस्ट वॉच है, उसमें सुई जो है वो जिस सिमत के अंदर गर्दिश कर रही है उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर उसी चीज़ को हम रिवर्स कर दें तो वो क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जी हाँ, अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखें ज़रा, अगर हम क्लॉक को देखें तो उसकी सुई ऐसे नीचे की तरफ गर्दिश करती है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये तो उसके रिवर्स जा रहा है। अगर ये उसके रिवर्स जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। उसके लिए हम एंगल क्या लेते हैं? हमेशा पॉजिटिव। अगर हम इसको देखें, इसको मैं कुछ इस तरह से साइड पे ड्रॉ कर लेता हूँ। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब आप लोग खुद बताएंगे मुझे कि इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको क्या बोलूँगा और इसको क्या बोलूँगा। ठीक है, ये एंगल तो बन रहा है जो कि पॉजिटिव एंगल है, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा और इसका क्या नाम होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बताया, इसको हम बोलेंगे इनिशियल रे। इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल रे। और इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको कुछ इस तरह से बनाएं तो स्टूडेंट्स क्या चीज बनेगी? देखें स्टूडेंट्स, अब इसका एरो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब अब हम कैसे जा रहे हैं? अपने क्लॉक की साइड पे। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे इसको। स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या होगा? जी हां, नेगेटिव, बिल्कुल ठीक। अब इसको हम रे की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ये इस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स। अब ये देखें जरा, अब आप बताएं शाबाश ये क्या होगा? जी हां, इनिशियल रे। और इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल रे। इस पॉइंट को बच्चों क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एंगल बन जाएगा स्टूडेंट्स। एंगल के बाद हम देखते हैं कि एंगल के कितने सिस्टम्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम एंगल्स को कितने सिस्टम में डिस्कस करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कितने सिस्टम होते हैं स्टूडेंट्स? दो। कौन कौन से सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कितने होंगे? दो। सेक्सागेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स इसको डिग्री, मिनट और सेकंड का सिस्टम भी बोला जाता है। स्टूडेंट डिग्री के ऊपर मैंने एक छोटा सा जीरो लगाया है, इसका क्या मतलब होगा?
मिनट के ऊपर मैंने एक प्राइम लगाया है, इसका क्या मतलब होगा? सेकंड के लिए मैंने दो प्राइम लगाए हैं, इनका क्या मतलब होगा? स्टूडेंट्स, इनको ये रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नोटेशंस होती हैं, ये देखें ज़रा स्टूडेंट्स। अगर मैं इस तरह से लिख दूँ 25 डिग्री 13 मिनट 45 सेकंड, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? 25 डिग्री, इसका मतलब ये डिग्री में है। अब हमें पता होना चाहिए डिग्री क्या होता है, स्टूडेंट्स उसको हम डिस्कस करते हैं। 13 मिनट्स और 45 सेकंड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों ने इन मिनट और सेकंड को वॉच वाले मिनट और सेकंड बिल्कुल नहीं समझना, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट होते हैं। ये हमारे पास सिस्टम का हिस्सा है, उसकी कन्वर्जन का हिस्सा है। जो हमारे पास वॉच में होते हैं मिनट और सेकंड, वो इनसे टोटली डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, उनको अगर हम माइंड में रखें, तो हम इस पूरे सिस्टम को स्टूडेंट्स मेमोराइज कर सकते हैं। जी हाँ, वो देखें वो हम कैसे मेमोराइज करते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम स्टूडेंट्स क्या होता है? अ सिस्टम इन विच एंगल आर मेजर इन रेडियंस। स्टूडेंट्स इसमें देखें मैंने क्या बोला, 60 डिग्री, एक ऐसा सिस्टम जिसकी बेस क्या है 60, एक ऐसा सिस्टम जिसकी बेस 60 है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम। एक सेकंड के लिए गौर करें, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? जी हाँ 60। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। इसका मतलब अगर हम एक घंटे को जहन में रखें तो हमें यह सिस्टम याद हो सकता है। अब यहां पे मैंने डिग्री कहा, डिग्री है क्या चीज? इफ वी डिवाइड द सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, अगर मैं मान लें कि मैं एक सर्कल बनाता हूं, ये यहां पे मेरे पास हो गया सेंटर, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं इस सेंटर को इस सर्कमफेरियंस के साथ एक लाइन के साथ ज्वाइन कर देता हूं, एक लाइन सेगमेंट के साथ, ये इसका कहलाएगी रेडियस। अब सर्कमफेरियंस क्या होता है? सर्कमफेरियंस बेसिकली होती है बाउंड्री लाइन ऑफ द सर्कल। सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरियंस। स्टूडेंट्स अगर मैं इस चीज को, अगर मैं इस चीज को कुछ मैं इस तरह से लेके चलूं, कि मैं इसको 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं, इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इसको 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करें, तो कोई से भी दो पॉइंट, ये वाले दो पॉइंट कोई से भी दो हो सकते हैं, ये सेंटर के साथ एक एंगल बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। इसमें मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, ये मेरे पास बनेगा 1 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब डिग्री के बाद किसकी बारी आती है? मिनट की। तो इसका मतलब एक डिग्री में कितने मिनट हो गए? 60 मिनट। बिल्कुल आप डिग्री को सही सोच रहे हैं, आप इसको घंटे की तरह सोचें, लेकिन ये होता नहीं है, ये सिर्फ मेमोराइज करने का एक तरीका है। तो फिर एक डिग्री में कितने सेकंड्स हो गए? एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो एक घंटे में कितने हो गए स्टूडेंट्स? जी 3600 सेकेंड। मैंने आपको क्या बताया था कि डिग्री के लिए हम उस नंबर पे छोटा सा जीरो लगाएंगे, मिनट के लिए हम क्या लगाएंगे, एक प्राइम, और सेकंड के लिए क्या लगाएंगे, दो प्राइम। इसी तरह से एक मिनट में फिर कितने सेकंड हो गए? 60 सेकेंड्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं इसमें अगर इस तरह कहूँ कि एक मिनट जो है वो 60वां हिस्सा होता है एक डिग्री का, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं एक सेकंड को इस तरह से कहूं कि 3600वां पार्ट एक डिग्री का होता है एक सेकंड, तो बात बिल्कुल ठीक है। ये दो बातें जो हमने अभी अभी डिस्कस की, ये हमारे एनुअल एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आने के काफी चांसेस होते हैं स्टूडेंट्स। आगे आ जाते हैं हम लोग रेडियन पे। रेडियन क्या है? रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल, ये एक मेजर ऑफ द एंगल है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। स्टूडेंट्स आर्क क्या चीज होती है? ये जो सर्कल पे जो बाउंड्री लाइन होती है, जो बाउंड्री लाइन इस एंगल का हिस्सा बनती है, इसको क्या बोलते हैं? आर्क। हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हो गया? मैंने एक सर्कल ड्रा किया, ये बिल्कुल ठीक रेडियस बन गया। स्टूडेंट्स अगर यहां से लेके यहां तक
ये मेरे पास जितनी आर्क है, अगर वो मान लें आप कि वो इसके बराबर है, तो फिर इसका मतलब ये क्या बनाएगा, 1 रेडियन। बिल्कुल ठीक है। अगर ये इसका हाफ हो जाए, कैसे? मिसाल के तौर पे ये तो देखें ना, ये वाली आर्क इसके बराबर है, ऐसा मान लें हम। अगर हम इसको हाफ कर दें, इसको मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, 1/2 रेडियंस। जी स्टूडेंट्स, अब हम दो सिस्टम तो हमने पढ़ लिए, इन सिस्टम की अब हमें रिलेशनशिप का भी पता होना चाहिए। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने इसमें बताया कि एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर पार्ट एक डिग्री कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ सर्कल में 360 डिग्री हो गए। अगर 360 डिग्री हैं तो फिर इसका मतलब सर्कल के अंदर रेडियन कितने होंगे। इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सेक्सागेसिमल सिस्टम के लिए अगर हम एक एग्जांपल मान के चलें, ये सेक्सागेसिमल मेजरमेंट के लिए स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, ऐसा मान लें आप, जी स्टूडेंट्स ये मेरे पास कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये देखें, ये बिल्कुल मेरे पास फ्लैट है, तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री। अब ये तो पूरा राउंड हो गया, यानी कि जहां से स्टार्ट किया वहीं पर आकर एंड हो गया, इसको क्या बोलेंगे। जी स्टूडेंट्स इसका मैंने नाम क्या बताया था आपको, जहां से एंगल शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल रे। जहां पे एंगल खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल रे। अच्छा ये कितनी होती है, 1/4 रोटेशन। रोटेशन क्या चीज होती है, एक कंप्लीट सर्कल में बनने वाला एंगल जो एक दफा में बनता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। इसका मतलब 1 रोटेशन किसके इक्वल होगी, 360 डिग्री के। अब इसकी बताएं शाबाश, इनिशियल क्या होगी, ये वाली होगी इनिशियल रे, और इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल रे। जी स्टूडेंट्स अच्छा इसके अंदर बड़ी मजे की बात, इसकी इनिशियल और टर्मिनल दोनों सेम होंगी, क्यों, क्योंकि एंगल जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर ही एंड हो रहा है। अब स्टूडेंट्स हमने एंगल्स को भी समझ लिया, उनकी रेज को भी समझ लिया, अब हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, लेकिन उन क्वेश्चन से पहले हमें रिलेशनशिप पता होनी चाहिए जो कि बहुत हेल्पफुल होगी हमारे क्वेश्चंस के लिए। मैंने अभी बताया आपको कि 360 डिग्री जो होता है स्टूडेंट्स वो 2π के इक्वल होता है। रेडियंस अगर हम इसको इस तरह से देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल लिखा एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस एक्स के साथ बाय डिफॉल्ट यहां पे एक कोफिशिएंट मौजूद होता है, डेनोमिनेटर में भी मौजूद होता है, एक्सपोनेंट में भी मौजूद होता है, जो कि एग्जैक्टली 1 होता है। अगर एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम क्या लिखते हैं, सिंपली एक्स लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैंने यहां से किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फॉर एग्जांपल 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 1। सेम इसी तरह से इसको 360 को मैं 1 डिग्री भी लिख सकता हूं, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एग्जैक्टली क्या बनेगा, जी हां 360 डिग्री। तो ये किसके इक्वल होगा, 2π रेडियंस के। अब ये 1 डिग्री इज इक्वल टू 2π/360 रेडियंस। स्टूडेंट्स यहां पे हमारे जहन में एक बात आती है कि अगर एक तरफ इक्वल की एक साइड पे कोई भी चीज ऐड हो रही होती है, दूसरी साइड पे जाके वो माइनस हो जाती है। अगर माइनस हो रही होती है तो ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन
इसका नाम क्या होता है, इस लॉ का नाम क्या होता है, इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्रांसपोजिशन। जी हाँ, अब देखें, इसको अगर हम मान लें, ऐसे कैंसिल कर दें, तो फिर 1 डिग्री बच्चों किसके इक्वल हो गया, पाई ओवर 180 रेडियंस के। तो अगर हमने डिग्री से रेडियन में जाना होगा, हम 1 डिग्री की जगह पे पाई ओवर 180 रेडियंस को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर हमने रेडियन से डिग्री में आना होगा तो हम क्या करेंगे। स्टूडेंट्स ये देखें, जैसा कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इनको भी आप लेके चल सकते हैं, नो इशू। अगर आप इसी चीज को लेके चलें तो ये क्या हो जाता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई ऑफ रेडियंस। अगर इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें, ये डिवाइड हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक तरह का फार्मूला बन गया, जो कि 1 रेडियन किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री ओवर पाई के। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस की तरफ।